तो 2-3 हफ्ते पहले बोट ने स्मार्ट वॉच लॉन्च की थी अंडर 2000 रुपीज, एंड इसे मैं 2-3 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से भाई ये 2000 के रेंज में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट वॉच है। तो मैंने इसे लॉन्च डे वाले दिन ही ऑर्डर कर लिया था और तब इसका प्राइस 1500 था और अभी ये 1800 या 1900 के आसपास सेल होती है। तो चलो पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बाकी की फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो वैसे तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, बट आप लोगों के लिए फिर से कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे हम इसको, घड़ी को। तो कुछ घड़ी ऐसी आती है, ऑन पड़ी है भाई, अभी अभी पैक की है, तो वापस से अनबॉक्सिंग हो रही है। तो एंड ये पुस्तकें, किताबें जो हमने अगर 9th-10th में पढ़ी होती तो यूट्यूब की वीडियो ना बना रहे होते, बात तो सही है। और ये एक कार्ड मिलता है और ये अपनी घड़ी। ओहो, एंड जो इनके ये स्टिकर्स है ना, काफ़ी फंकी से है और पहली बार मैंने कोई कंपनी को देखा कि भाई इतने फंकी स्टिकर्स दे रहा है। मतलब काश एप्पल भी ऐसा करे, एप्पल को कॉपी करनी चाहिए भाई इनकी अब। तो सबसे पहले इसका डिज़ाइन देख लेते हैं और यहाँ पे जो साइड पे जो मेटल फ्रेम है, मतलब 2000 के अंडर की वॉच में मेटल फ्रेम काफ़ी सही है, मतलब इम्प्रेसिव है। और यहाँ पे जो ये बटन है ये भी मेटल का बना हुआ है और इसकी क्वालिटी भी बहुत सही है। पीछे की साइड पे ये प्लास्टिक है और ये जहाँ साइड पे छोटा सा स्पीकर बना हुआ है और सेंटर में ये सेंसर है। और जो स्ट्रैप की क्वालिटी है वो भी काफ़ी मजबूत है और आप इसे उतार, अपने स्ट्रैप्स को उतार भी सकते हो ऐसे। ओवरऑल इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो भाई काफ़ी अच्छा है, 2000 की रेंज में मतलब बढ़िया है। अच्छा ठीक है, तो ये 1.83 इंच की HD डिस्प्ले है जो कि आती है 240x280 रेजोल्यूशन के साथ। और जो इसके बेजल्स है ना, मतलब 2000 के हिसाब से ठीक है, और जो ये नीचे वाला जो बेजल है इसका, बॉटम बेजल बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि जब आप इस वॉच को खरीदोगे तो आप Amazon Flipkart पे ऐसी फोटो लगाई होती है, ब्लैक कलर की फोटो लगाई होती है कि पता ही नहीं चलता कि इसका बेजल कितना है। और वैसे तो इसमें ना 3 कलर आते हैं, ब्लू, ब्लैक और पिंक, तो मैंने गलती से पिंक वाला ऑर्डर कर दिया और अब शायद मुझे ये बंदी को गिफ्ट करनी पड़ेगी वॉच, पैसे बर्बाद होंगे भाई। और एक तारीफ मैं ये करना चाहूँगा कि भाई जब आप इसे पहन लोगे ना, काफ़ी हल्का है, लाइट वेट है, मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि आपने हाथ में कुछ पहना हुआ है। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो हाँ थोड़ा बहुत पसीना आ जाएगा, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे इसकी ब्राइटनेस 550 निट्स की है तो इंडोर में तो आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली, बट जब मैंने इसे डायरेक्ट सनलाइट में टेस्ट किया ना तो आपको ऐसे करके थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, ऐसे करके देखना पड़ेगा। बाकी मेरे को तो ऐसा कोई लगा नहीं, हाँ ठीक है भाई 2000 में और क्या, जान लोगे क्या। तो चलो अब इसके थोड़े बहुत फीचर्स वगैरह की बात करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये वॉच लेनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले आपका ये वॉच फेस आ जाएगा और जब ऊपर करोगे तो ये सब सेटिंग्स वगैरह आ जाएंगी आपकी, जहाँ पे आपका टॉर्च है, ये फ़ोन कॉल है, ये सेटिंग्स है, ब्लूटूथ है। और अब जब नीचे करोगे तो यहाँ पे ये सब आपकी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, यहाँ पे आपका हार्ट रेट मेजरमेंट आ जाएगा, अभी मेरा डिवाइस पेड नहीं है तो यहाँ पे आपकी वेदर रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगी, यहाँ पे म्यूज़िक का हो गया, और ये आपका स्लीप साइकिल, बस इसके नीचे कुछ नहीं है। और इसमें 100 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड है जो कि काफ़ी सही है यार 2000 के रेंज में। एंड ये बटन से कुछ भी नहीं होता, बस ऑन और ऑफ के लिए है ये। अच्छा, जो इसका हार्ट रेट सेंसर है ना, इतना सही और इतना एक्यूरेट है, हम इंसानों की छोड़ो भाई, ये पेड़ पौधों के भी, मतलब अगर आप पेड़ पौधों के भी चेक करोगे ना तो उसमें भी बता देता है कि पेड़ पौधों की हार्ट रेट क्या चल रही है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई पेड़ पौधों को पानी की ज़रूरत है या नहीं, या उनको कोई तकलीफ है या नहीं, मतलब काफ़ी सही चीज़ बनाई है भाई 2000 के अंदर, मज़ा आ गया भाई। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और ये ना IP68 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आती है, तो मतलब नहाते वक्त या हाथ धोते वक्त आप इसे पहन के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यूज किया था एंड कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई, सही चीज है भाई 2000 के अंदर, मतलब IP68 वाटर रेजिस्टेंस मिल रहा है आपको। और इसमें सबसे बढ़िया फीचर मुझे लगा कि इसमें ना ब्लूटूथ कॉलिंग आती है, तो चलो जल्दी से ना फोन से इसको कनेक्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि मतलब क्या इसकी माइक क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी है। तो अब मैंने इसको अपने आईफोन से कनेक्ट कर लिया, तो अब चलो इसका एक ब्लूटूथ कॉलिंग टेस्ट हो जाए। हेलो, हाँ दी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। और मैं अभी घड़ी से 1 फुट दूर हूँ, तो आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एकदम क्लियर आ रही है। कोई बीच में कट तो नहीं रही, लैग तो नहीं हो रही आवाज? नहीं नहीं हो रही। सही आ रही है ना, मतलब? हाँ परफेक्ट। ओके ओके, चलो बाय बाय। तो जो इसका फ़ोन का एप्लीकेशन है ना, वो है बोट हब, जो आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। और इसके जो फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ थोड़े बहुत, जैसे इसमें वॉच फेसेस है, ठीक है, यहाँ पे क्लाउड वॉच फेसेस है और बहुत सारे हैं यहाँ पे, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो।
एंड फिर हम यहाँ आएंगे तो ये जनरल में सेटिंग्स है, आपको ये सब सेटिंग्स दिख रही होंगी, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप घड़ी पहन के सोते हो तो आप इसमें अलार्म वगैरह भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप रिमाइंडर वगैरह भी रख सकते हो ये अलर्ट्स ऑन करके। और अगर घड़ी का कोई अपडेट आता तो यहाँ पे आपको ये फर्मवेयर अपडेट, यहाँ से आप पूरी आपकी घड़ी भी अपडेट हो जाएगी। और ये ब्लूटूथ कॉलिंग में आप यहाँ से सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह सिंक कर सकते हो। एंड अगर आपकी घड़ी कहीं मिसप्लेस हो जाती है आप, तो ये फाइंड वॉच पे क्लिक करो तो यस, ये आपको ऐसे इंडिकेशन आ जाएगा कि भाई आपकी घड़ी ये रही। और उसके बाद आप ये वाइब्रेशन मोड से आप देख सकते हो कि आपको कैसी वाइब्रेशन चाहिए, वीक, नॉर्मल, स्ट्रांग, मतलब मैं वीक रखना प्रेफर है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे रखनी हो। अगर आपको एंड इसमें आपको पिक्चर वगैरह लेनी हो तो आप इसे पिक्चर भी ले सकते हो। जैसे आपको कैमरा खोला एंड ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखो मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया और वहाँ पर इमेज खिंच गई। और बस इसमें इतनी फीचर्स है फ़ोन ऐप में, आप यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, रीसेट भी कर सकते हो, बाकी आपको दिखाई दिया सब कुछ। अच्छा, अनबॉक्सिंग करते वक्त मैं ये तार डालना भूल गया था उसमें, तो ये चार्जिंग के लिए वायर आती है इसमें जो कि इतनी लंबी है। और ये इसके बैक साइड पे ऐसे मैग्नेट की तरह लग जाती है एंड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जैसा कि आप देख सकते हो। और अब मैं इसकी बैटरी लाइफ की बात करूं तो बोर्ड क्लेम करता है अप टू 10 डेज ऑफ बैटरी लाइफ इसकी। और अगर आप उसको ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ यूज़ कर रहे हो तो 7-8 दिन समझ लो, और अगर स्टैंड बाई मोड पे है तो भाई 60 डेज तक ये जिंदा रह सकती है। तो हाँ भाई, अब बात कर लेते हैं कि ये घड़ी आपको ख़रीदनी चाहिए या नहीं। मेरी तरफ से हाँ है कि अगर आपके पास 1700-1800 रुपये का बजट है और उसमें आपको स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो तो ये मस्ट बाय है, ख़रीद सकते हो, बढ़िया वॉच है ओवरऑल। हाँ, ये जो इसके पीछे सेंसर है ये थोड़े काम चला हुआ है, तो 2000 रुपये में आप और क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। और मार्केट में ना इसके एक दो कंपटीटर है, तो अगर इस वीडियो पे 300 लाइक्स आ जाते हैं ना तो मैं उन वॉचेस को मंगवाऊंगा और इसके साथ कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि फिर आपको अंडर 2000 के कौन सी वॉच लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। और अब आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो भाई जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।